समाज द्वारा किए गए ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आनंद की अनुभूति देते हैं। ऐसे में समाज को प्रतिवर्ष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे समाज में एक ऊर्जा का संचार होता है। यह उद्धार अनुचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष व राज्य सरकार के राज्य मंत्री शंकर यादव ने बुधवार को कुंजपुर के बाबा रामदेव पटोत्सव एवं सामुदायिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर कहे और कहा, समाज में टाक खिंचाई नहीं करके समाज का निर्माण करने पर ध्यान देना होगा। समाज में सभी युवा पीढ़ी को पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने का काम करें। 8 वर्ष पूर्व विधायक स्वर्गीय राइया मीणा के द्वारा दिए गए विधायक मद से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बुनकर समाज के 4 चोखला व 58 गाँव के बुनकर समाज के लोग उपस्थित थे। राइया जी द्वारा दिया गया ये जो भवन है उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी आज रखा है। आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने काफी लंबी चौड़ी बातें कही हैं, ज्यादा कोई कहना बचा नहीं है। जो अभाव उपयोग आपने रखे हैं वो करण सिंह जी रमेश जी तक खिजाई जो नक्तमार नाम रहेगी। करण सिंह जी और प्रेम भाई ने बातें रखी हैं और निश्चित रूप से हम सब मिलकर जो अभाव उपयोग है उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आज बड़ा शुभ दिन है प्रेम भाई, हम डूंगरपुर में मेघवाल समाज का एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनने वाला है 40 लाख रुपए का, जिसका शिलान्यास करके आए हैं और ऐसा ही कार्यक्रम उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, हमारे सब नेताओं ने आजादी के 44 साल बाद मुझे दलित प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान सरकार में अवसर दिया है और कहीं ना कहीं आप सबका योगदान है इसमें। कभी कभी कहते हैं कीड़ी को कण और हाथी को मण, आप सबका योगदान है इसमें और आप सबके आशीर्वाद से मुझे ये पद मिला है। निश्चित रूप से संघर्ष बहुत आया है जीवन में, जीएम साहब, प्रेम भाई, मैं, हम सब लोग बहुत पुराने साथी हैं, कमल जी और हमारे तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लंबी पारी हमने खेली है।